नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना श्रवण। आज एक मैं मेरे ऐसी लाडली बेटी से आपको मिलाने जा रहा हूँ कि वास्तव में शिक्षक क्या होता है, एक टीचर क्या होता है। जिंदगी में टीचर से बड़ा शायद कोई पद नहीं होता है। मुझे आज वो बात याद आ रही है जब एक बार मैं हमारे सीकर के वर्तमान सांसद स्वामी शिवानंद जी के साथ के सफर में जा रहा था, तो उन्होंने मुझे बहुत प्यारी बात कही थी कि श्रवण शिक्षक के साथ एक बड़ा प्लस पॉइंट होता है। मैंने कहा महाराज बताएं क्या। उन्होंने कहा कि देश के महामहिम राष्ट्रपति हैं, वो पद से हट जाएंगे तो उनको लोग कहेंगे भूतपूर्व है, प्रधानमंत्री भूतपूर्व हो जाते हैं, बट शिक्षक कभी भूतपूर्व नहीं होता है। इसलिए आप टीचर हैं, भगवान की विशेष मेहर आप पे कि आपको शिक्षक बनने का सौभाग्य भगवान ने दिया। और जब ऐसे मेरे बच्चे, जिस बच्चे से आपको मिलाने जा रहा हूँ, ऐसे बच्चे जब वापस मिलते हैं कई सालों बाद, तो स्वामी जी की बात बिल्कुल 100% सही महसूस होती है। मेरे साथ है सोनी मिश्रा, आप बिहार से हैं, बिहार से आप यहाँ 11th 12th करने आए, उसके बाद आपने अपना बीटेक किया और आज मुझे कहते हो मुझे फक्र हो रहा है आप यूएसए में सेटल है, आपकी खुद ही कंपनी है। तो मैं चाहूँगा सोनी बेटा आप अपनी जर्नी बताएं और अगली पीढ़ी को, विशेष गर्ल्स के लिए अपने कुछ रेस्ट्रिकेशंस होते हैं, उन सब का भी एक डर भय आप दूर करें, पेरेंट्स के नाम भी, उन बच्चों के नाम भी। मैं चाहूँगा आप अपनी बात को खुल के रखें। हाँ, बस फर्स्ट ऑफ ऑल कि मतलब सीकर का पापा की एक फ्रेंड ने रेफरेंस दिया था कि सीकर में कोचिंग्स हैं, तो आप कोचिंग सबके लिए जा सकते हो। और लाइक बिहार से जनरली बच्चे कोटा जाते थे, हर किसी का ये था कि कोटा कोटा कोटा, तो पापा को बताया था कि नहीं सीकर भी जाके आप ट्राई करो, वो भी एक एजुकेशन हब है। तो पापा आए थे सीकर में, बहुत सारी कोचिंगें देखी थी क्योंकि कोचिंग्स उस टाइम भी 4-5 देखी थी पापा ने। बट पापा जैसे ही CLC में आए थे, पापा ने बोला कि CLC बेस्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था कि एक लड़की को लाइक बिहार से आना और यहाँ पे इतना दूर रखना, क्योंकि मैं घर से पहले गई थी 2010-11 में, बिहार से मैक्सिमम लड़कियों को इतना नहीं पढ़ाते थे। यहाँ तो पहला बच्चा थे आप, CLC में पहला बच्चा। हाँ, मैं CLC की फर्स्ट स्टूडेंट थी बिहार से। तो पापा के लिए भी डर था क्योंकि लोग बोलते थे लड़की है बाहर पढ़ने जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे लोगों के। बट पापा को ये था, फिर पापा बॉस से मिले तो पापा को ये था कि मेरी लड़की सेफ रहेगी। एक बाप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि उनकी लड़की सेफ रहेगी। तो पापा CLC में आए थे और CLC में आने के बाद ये देखा था, बोला था कि सिलेक्शन हो या ना हो डजेंट मैटर, मेरी लड़की यहाँ सेफ रहेगी। मेरे को पहले दिन ही ये चीज़ यहाँ पे फील हो गया था पापा को। फिर पापा मुझे छोड़ के गए थे, फिर 1 महीने बाद मम्मी को था कि अकेली गई है, लड़की है, ये है वो है। फिर मम्मी भी मेरी 1 month बाद मिलने आ गई थी बॉस, और आपने कैबिन में कैमरे में दिखाया था मम्मी को, तो मम्मी ने बोला नहीं वहाँ तो सब चीज़ अच्छा है। फिर मम्मी और पापा वही एक बार मिल के गए, उसके बाद 2 साल तक वो कभी मतलब मिलने नहीं आए मेरे को। मैं घर जाती थी, मिलती थी, क्योंकि बिहार था काफ़ी दूर था, पापा की भी जॉब थी, छुट्टी नहीं मिलती थी। बिहार में बक्सर से हैं? हाँ, बिहार में मैं बक्सर से हूँ, बक्सर के पास डुमराव है, तो मैं वहाँ से हूँ। तो फिर लाइक CLC में पढ़ती थी, फिर लाइक 12th के साथ लाइक सिलेक्शन होना ना होना एक अलग चीज़ है। सिलेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हो गए तो इंसान ऐसा नहीं है कि लाइफ रुक जाती है, लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरा कोई सिलेक्शन नहीं हुआ था बट मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 साल मैं रुकी थी यहाँ पे। 12th के बाद जस्ट मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया था अलवर में, और कॉलेज के जस्ट बाद BTech करी है मैंने मैकेनिकल इंजीनियर से। और BTech के जस्ट बाद मैंने लाइक जयपुर में मैंने पहले जॉब करी थी, बट लाइक जॉब अपन को सही नहीं लगा था, तो फिर मैंने कंपनी स्टार्ट कर दी। तो जॉब संतुष्ट नहीं हुई तो? हाँ, मैं जॉब से सेटिस्फाइड नहीं थी, मुझे ऐसा लगा कि मुझे खुद का बिजनेस करना है। बिजनेस करना भी एक ये था कि एक लड़की हो के बिजनेस करना, कि लड़की हो और जैसे ऐसा होगा कि लड़का और लड़की एक साथ बिजनेस करे, वो प्रॉब्लम थी। मैं बिहार से थी, यहाँ पे थी, वो प्रॉब्लम थी, बहुत सारी चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ी थी स्टार्टिंग में। बट मैंने सोचा कि नहीं, मुझे करना यही है। और लाइक उस टाइम लोगों का ये था कि मैकेनिकल से हो तो तुम IT कंपनी कैसे चला सकती हो। थोड़ी सी टफ ब्रांच मानते हैं। हाँ, वो टफ था कि लाइक IT तो, बट मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूँगी, क्योंकि लाइक मेरा ग्रो अप जो था मेरा CLC से, तो क्योंकि मैं राजस्थान में पहली बार मैं सीकर ही आई थी, तो मेरी स्टार्टिंग जर्नी CLC है लाइफ की, क्योंकि उसके पहले मैंने 9th 10th पढ़ा था। लाइक एक जनरल स्टूडेंट का 10th के बाद ही रियल जर्नी स्टार्ट होती है, तो लाइक 11th 12th मैंने यहाँ से करी थी और यहीं से मेरी स्टार्टिंग हुई थी। यहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा भी था और बॉस ने बहुत सपोर्ट भी किया है। उसके बाद लाइक 12th किया था, 12th के बाद कॉलेज करी, कॉलेज के बाद एज ए स्टार्टअप IT कंपनी स्टार्ट करी। IT कंपनी को अभी 5 ईयर मार्च में कंप्लीट हो जाएंगे, 5 ईयर कंप्लीट होने वाले हैं। और मैं हस्बैंड USF, अविनाश नाम है उनका, वो US में यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप में अभी वो मतलब सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर है,
पहले वो एप्पल में थे, फिर अभी उन्होंने एप्पल से स्विच करके उन्होंने यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप जो यूएस का है उसमें वो सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर है। मैं यूएस गई थी यहाँ से 23 दिसंबर 2019, शादी थी मेरी 28 नवंबर 2019 को, और फिर मैं 23 दिसंबर 2019 में जस्ट वन मंथ लाइक मैं यूएस चली गई थी। फिर यूएस गई तो वहाँ पे ये था कि लाइक वर्क परमिट और ये सारे इशूज थे, फिर वो सारे इशू धीरे धीरे सॉल्व हुए क्योंकि लाइक मैं लाइक अदर कंट्री से थी, मैं वहाँ की सिटीजन नहीं थी। फिर उसके बाद वहाँ पे अभी मेरा ईडी का एक प्रोसेस है वो लगा हुआ है, वो भी फाइनल आने वाला है। तो लाइक मेरी प्लानिंग ये है, अभी तो मैं वहाँ से प्रोजेक्ट लेके यहाँ जयपुर में कंपनी में कराती हूँ, मेरी कंपनी का नाम है कोरल आईटी सॉल्यूशन। और लाइक अभी ये है कि यहाँ से जाके वहाँ पे सारा सेटअप एंड ऑल। तो ये देखो एक बहुत छोटा सा मासूम सा बच्चा हमारे पास 10th पास करके आता है गाँव से, आपने बहुत गहरी बात की। आपके पिता जो कुछ शिक्षक हैं वो आके मिलते हैं मेरे से, वो कहते हैं कि मेरी बच्ची सेलेक्ट हो ना हो बट मेरी बच्ची यहाँ से सीख के जाएगी, मेरी बच्ची सेफ है। और ये सीएलसी का मूल फैक्टर है, आप पीछे देखेंगे फ्लेक्स पे वो लिखा हुआ है शिक्षा संस्कार शिक्षा सफलता, ये शब्द नहीं है, ये शब्द आपके सामने है। फिर ये बच्चा अपने बीटेक की डिग्री कंप्लीट करता है और सीएलसी जीना सिखाती है। जैसे आपने कहा कि मैं जॉब को लेकर संतुष्ट नहीं थी, मुझे अपना करना था, और ये सब कुछ सीएलसी की असेंबली में सीएलसी की मीटिंग में आपको सिखाया गया। एक बच्चे के लिए मैस में चावल की व्यवस्था करवाना हो सकता है मेरे लिए बहुत, हाँ, चावल के लिए जो बॉस ने किया था वो रियली बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि एक बच्चे की छोटी छोटी बातें उसके जीवन में कितनी अहम हो सकती हैं कि उस समय आपका ये कहने के लिए आप चावल प्रोवाइड नहीं करते तो मैं वापस कम बैक होम हो जाती। तो शायद मैं जो भी शिक्षक बंधु है जो संस्था चलाते हैं उनके लिए हर एक बच्चे की बात बहुत कीमती होती है, क्योंकि अपना फूड अलग है, इनका फूड अपना अलग है। उसके बाद अब यूएसए सेट हो जाते हैं, उसके बाद अब सोशल मीडिया का मैं थैंक्स दूंगा कि जुड़े रहे, मुझे पता लगा मेरी बेटी वहाँ है, फिर हम जुड़े हुए थे। मेरा छोटा बेटा समर जो स्पेन है उससे भी एक बार आपकी बात मैंने करवाई थी, आपको भी उसको भी आपने गाइड किया, और आप खुद की कंपनी है। मतलब मैं तो सही बताऊँ सुनी हूँ, मेरे को सपना सा लगता है कि मेरे बच्चे अपनी कंपनीज खड़ी कर रहे हैं, यूएसए चले गए, जयपुर आ रहे हैं, एक सुपर बोल्डनेस। मैं यहाँ गर्ल्स बेटियों बेटियों की बात करना चाहूँगा कि इसको बोलते हैं बोल्डनेस बेटा। कई बार हमारे आजकल के बच्चे बच्चियाँ बेटे बेटियाँ बोल्डनेस का कुछ गलत अर्थ लगा के बहुत जल्दी अपने जीवन को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जिंदगी में हर चीज़ का एक समय और स्थान होता है, बोल्डनेस ही होती है अपने खुद के फैसले करें, अपने खुद के कैरियर को बिल्ड करें, अपने कैरियर को बनाएं। और बच्ची वो देखो बिहार हो राजस्थान हो सब जगह क्वेश्चन खड़े होते हैं, अकेली बच्ची है कहाँ जाएगी, फिर भी आपकी मम्मी एक बार मिलने आए उसके बाद संतुष्ट हो गए। तो ये शायद मेरे लिए एज ए संस्था डायरेक्टर बहुत बड़ा एक सर्टिफिकेट है पेरेंट्स की तरफ से कि हमारे बच्चे यहाँ संतुष्ट है। और आप क्या कहना चाहते, कई बार जैसे आज भी लाइक मेरे पापा अगर कोई भी पूछता है कि बच्चे को कोचिंग करना, लोग नो डाउट पापा को फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि आपने अपनी बेटी कहाँ, क्योंकि बेटे तो सब कोई पढ़ाता था उस टाइम बेटे पढ़ाना नॉट ए बिग डील, हर कोई पढ़ाता था, बट एक लड़की को वहाँ से भेजना यहाँ पे पढ़ाना यहाँ पे रखना। आज भी मेरे पापा से कोई भी पूछता है कि आपने कोचिंग कहाँ पे कराई थी क्या, आज भी मेरे पापा सीएलसी ही बोलते हैं। एक बड़े छोटे भाई भी थे। चलो सबसे पहले मैं हमारे मित्र ओम प्रकाश जी को मिश्रा जी को नमस्कार करूंगा, दोनों बच्चों को शुभकामनाएं, हमारे कंवर साहब को भी मैं बहुत शुभकामनाएं दूंगा। और मैं कहता हूं आप बहुत सौभाग्यशाली, अविनाश जी नाम है जी, अविनाश कि आपको हमारी एक बहुत लाडली बेटी आपकी जीवन साथी बनी, आपकी लाइफ पार्टनर बनी। और शिक्षक अब आप समझ गए होंगे कि बच्चे यूएसए सेटल है केवल अपने टीचर से मिलने के लिए, अपने सेल्स से मिलने के लिए बच्चे चला के आते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा इस इंडस्ट्री में जो शिक्षक हैं, प्लीज आप पेड सर्वेंट नहीं बने, बच्चों के साथ एक टीचर बन के रहें, एक गुरु बन के रहें, उनके एक बात को सुनें, उनकी समस्याओं का समाधान करें, वो सारी जिंदगी आपको याद रखेंगे और आप कभी भूतपूर्व नहीं होंगे, आप हमेशा वर्तमान रहेंगे। एक कोई मैसेज कोई बच्चों के नाम जो आज की यूथ है उसके नाम कोई मैसेज? यूथ के नाम ऐसा है कि लाइक अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सकता है कि मैं सीएलसी नहीं आती तो मैं शायद इंजीनियरिंग नहीं कर रही होती, और मैं इंजीनियरिंग नहीं करती तो मुझे वो क्रेज नहीं आता कंपनी का, ना मैं कंपनी का क्रेज होती तो हो सकता है कि मैं सिलेक्शन हो जाता, हो सकता है कि मैं एक डॉक्टर बन गई होती, एक इंजीनियर बन गई होती, मैं गवर्नमेंट जॉब कर रही होती। फिर गवर्नमेंट जॉब करती तो उस टाइम ये हो सकता था कि शादी नहीं होती मेरी यूएस में, हो सकता था क्योंकि लाइक जॉब हर कोई नहीं सकता। तो ऐसी बहुत सारी, अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की लड़कियां चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी ऐसा काम नहीं है, कोई भी ऐसा जॉब नहीं है जो लड़कियां नहीं कर सकती हैं। अपन इतने इंडिपेंडेंट है और अपने ऊपर एक अलग सी पावर होती है लड़कियों में जो कि अपन कुछ भी कर सकते हैं।
तो ये एक बहुत अच्छी मुलाकात मेरी इस लाडली बेटी से रही, तो मुझे लगा आप सील से हैं तो क्यों ना आपका एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो बना के आप सब तक भेजा जाए ताकि एक मैसेज जाए। वो गांव में कहते हैं मोर नाचा जंगल में किसने देखा, यानी क्वालिटी हो तो उसको बताना बहुत ज़रूरी है ना। वो कहते हैं ना कि जब तक चीज़ें अपनों के बीच नहीं जाएंगी, तो आज इस वीडियो को देख के एक सामान्य बक्सर या पे गांव से हैं, जैसे राजस्थान के गांव है छोटे कस्बे वो वैसे छोटे कस्बे, तो छोटे कस्बों से छोटे गांव से भी बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं। विश्व के कहने की बात ही नहीं, यूएसए एक बहुत बड़े एक प्लेटफॉर्म है, बड़ा स्टेशन है, अपने आप में लोगों बड़ा क्रेज है, वहाँ से लोग बहुत क्रेजी होते हैं बच्चे वहाँ जाने के लिए। आपकी खुद की कंपनी है तो आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना। थैंक यू आपको कि लाइक आपने मतलब 10th क्लास में उस टाइम आई थी और आपने इतना सपोर्ट किया। हो सकता है उस टाइम मेरा एडमिशन सीएलसी में नहीं होता तो पापा मुझे घर भी ले जाते, क्योंकि पापा सेटिस्फाइड नहीं थे बहुत जगह से। नहीं पुत्र, ये सब ईश्वर की, तो उस चीज के लिए हो सकता है कि मैं इस चीज को मानती हूँ, क्योंकि मेरी जर्नी लाइफ की सीएलसी से स्टार्ट हुई। मैं आगे कॉलेज गई, कंपनी की, यूएस गई, सब चीज किया, बट लाइक लाइफ की बेसिक जर्नी मेरी। आप हॉस्टल में रहते हैं सर 2 साल, आप देखो हॉस्टल में रहे, बिहार से आए, विश्वास, इसलिए कहते हैं सीएलसी शिक्षा है, सुरक्षा है, संस्कार है और सफलता है। शिक्षा है आपके सामने, सुरक्षा आपने कहा मैं बिहार से रही, संस्कार आपके पेरेंट्स को लगा कि वो सेफ है, और सफलता आपके सामने, हमारा एक बहुत प्यारा लाडला सा बेटा, हमारी बेटी आज यूएसए में सेट है। तो एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी को देखने वालों को नमस्कार। आप भी श्रोणी की तरह बड़े सपने देखें, उनको पूरे करें। आप सबको मेरी शुभकामनाएं, थैंक यू, नमस्कार।